आज हम दोस्तों आपको DTH मिलाने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, जो आप खुद अपने से मिला सकते हैं बिना मिस्त्री के। अगर आपके LCD में अगर नो सिग्नल आता है तो आप इस तरह मिला सकते हैं। सबसे पहले आप दो मोबाइल लीजिए, एक मोबाइल को आप किसी जुगाड़ द्वारा LCD की डिस्प्ले की तरफ घुमा दीजिए। देखिए इस तरह, चाहे ट्रैपोर्ट हो या अन्य चीज़ से किसी जुगाड़ द्वारा घुमा दीजिए। इसके बाद आप वीडियो कॉलिंग करके आप डिस्प्ले दिशा घुमाकर आप एक मोबाइल लेकर देखिए, इस तरह आप कर सकते हैं। दोस्तों DTH मिलाने का ये सबसे आसान और बेस्ट तरीका है, आप इसे बिना परेशानी को मिला सकते हैं। देख लीजिए इसमें 4-5 फ्रिक्वेंसी अभी आ रहा है। अब हम इसे ऊपर लेकर चलते हैं। दोस्तों ऊपर लेकर आ गए, देख लीजिए इसमें 4-5 फ्रिक्वेंसी आ रहे हैं इस डिस्प्ले में देखकर। अब हम इस एंटीना को मिलाने का प्रयास करते हैं। इसको ऊपर नीचा लेफ्ट राइट कर देखते हैं। देखिए दोस्तों आराम से मिल जाएगा, लेफ्ट राइट करिए, ऊपर नीचा करिए, आराम से मिल जाएगा। एक मिनट देखिए दोस्तों, आप देखिए दोस्तों इसमें 50-60-70 आ रहा है। देख लीजिए इस तरह आता है। इसको हम मिलाएंगे दाएं बाएं ऊपर नीचा कर आराम से मिलाते हैं। इसको मिलाने के बाद इसको हम देख लीजिए अभी मिलाते हैं, अच्छा से इसको मिलाते हैं, 70 तक 72 तक ले जाने का प्रयास करते हैं। एक मिनट, मेहनत लगेगा और कोई मेहनत नहीं है। देख लीजिए आप आसानी से, आपके सामने डिस्प्ले, आप आसानी से मिला सकते हैं। दोस्तों जब हम DTH मिलाते हैं तो हमारे सामने डिस्प्ले नहीं होते और हम ये नहीं पता लगा पाते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है। दोस्तों ये तरीका अपनाने का बस यही मकसद है कि अब हमारे सामने डिस्प्ले है, हम इसमें देखकर कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है ये देखकर हम आसानी से मिला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हमारे सामने डिस्प्ले नहीं होती है, हमें फ्रीक्वेंसी का पता नहीं लगती है, तो हमें बहुत परेशानी होती है। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है, अब हम आसानी से बहुत आसानी से इसे मिला सकते हैं क्योंकि अब हमारे सामने डिस्प्ले है। दोस्तों इसी तरह दोस्तों आप मिला सकते हैं। दोस्तों DTH मिलाना इतना भारी नहीं है, बहुत आसान है। इस एंटीना को ऊपर नीचे दाएं बाएं करिए, आसानी से मिल जाएगा। अब इस डिस्प्ले में आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, अभी 70, 71, 72 इसी तरह आ रहे हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, मिलाने के बाद देख लीजिए अभी 70, 71 आ रहा है। इसको मिलाने के बाद हम इसे टी रेंज की मदद से हम इस नॉट वाल को टाइट कर देंगे। देख लीजिए हम इस टी रेंज की मदद से अब हम इसे टाइट करते हैं। दोस्तों इस नट बोल्ट को बहुत अच्छी तरह से टाइट करिएगा ताकि आंधी तूफान में यह घूम ना पाए, इधर उधर हिल ना पाए, बहुत अच्छी तरह से टाइट करिएगा। दोस्तों यह DTH मिलाने का तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर देना ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।